नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही शानदार है क्योंकि हमारे साथ हमारे ही डिपार्टमेंट की मैम जुड़ रही हैं, तो ये है बहुत नेचुरल टॉक होने वाला है, इतनी ग्राउंडेड बात होने वाली है कि जो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा बहुत कुछ सीख सकता है। आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर अमिता मैम, जो कि जर्नलिज्म एंड मासकम डिपार्टमेंट में अभी हम लोग को पढ़ाती हैं, यानी यहाँ पे जो लोग भी जर्नलिज्म करने आ रहे हैं उनकी स्टडी यूजी या पीजी की वो मैम कराती हैं, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक और शानदार दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम लोग आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं, तो हम लोग अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैम, ये आज़ादी का 75 साल पूरा हुआ है, आप इसको किस रूप में देखती हैं? ये हमारे लिए नई उमंग और उत्साह का साल है। इसमें हम अपने पुराने जितने भी सपने सजोए हुए थे उन सपनों के साथ चल करके एक नई दिशा ले सकते हैं। मैम, इसमें थोड़ा आपने बचपन की कुछ चीज़ें जोड़ना चाहेंगी कि आप जब छोटी थी तो 15 अगस्त को या ऐसे कोई भी सेलिब्रेशन 26 जनवरी कैसे सेलिब्रेट करती थी? हाँ बिल्कुल, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो स्कूल में एक बड़ी सी प्रेयर होती थी और उसके बाद देशभक्ति के गाने गाए जाते थे, और चूंकि मैं बॉर्डरिंग स्टेट से हूँ, हरियाणा से, तो वहाँ पे थोड़ी और जोश और उमंग होती है, वहाँ पे ज़्यादा पैशन है इस चीज़ के लिए कि हाँ 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन आने वाला है, तो स्पेशल वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, कविताएं होती हैं, उसके बाद तमाम तरह की और भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से जो बेसिक मोटो होता है वो ये होता है कि आप स्टूडेंट को, यूथ को इंस्पायर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आर्मी वगैरह में जाते हैं और तमाम देश के लिए सेवाएं देने वाले फील्ड में वो अपने काम करते हैं। मैम, एक चीज़ तो हम लोग इसमें जोड़ना भूल गए मुझे लग रहा है, वो बहुत मेमोरेबल हो जाता है कि लास्ट में लड्डू वगैरह और खाने की जलेबियाँ मिलती हैं, स्कूलों में बहुत अच्छा रहता है। मैम, अभी हम लोगों ने 75 साल पूरा किया आज़ादी के, आने वाला 25 साल क्योंकि 100 साल हो जाएगा, तो 25 साल का क्या टारगेट होना चाहिए यूथ के लिए बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हमें ये देख लेना चाहिए कि हम किन स्थितियों से आगे बढ़े हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, हम बहुत विचित्र स्थिति में थे क्योंकि हम आज़ाद हुए थे और आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्टैब्लिश नहीं थी। हमने धीरे धीरे अपने देश को खड़ा किया है, बेसिकली हमारे जो योद्धा थे उन्होंने देश को खड़ा किया है, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बेसिस पे फिर जब धीरे 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 चीज़ें डेवलप हुई, नेहरू मॉडल आया, सोशो इकोनॉमिक मॉडल, उसके साथ साथ हमारे देश में प्रगति हुई, सामाजिक विकास भी हुआ, उसके साथ साथ जब चीज़ें बदली हैं, लिबरलाइजेशन का दौर आया 90s के बाद से, तो हम पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन वाले माहौल में आ गए हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली स्टूडेंट से रिलेटेड। जो विद्यार्थी, इसे हम दो तीन तरह से देख सकते हैं, जो विद्यार्थी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनके चैलेंजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का भी अभाव होता है। तो हर एक राज्यवार किन किन विद्यार्थियों की क्या क्या ज़रूरतें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्या ज़रूरतें हैं, उनके हिसाब से हमें उनको देखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम, एक चीज़ और है कि अभी आप कासिम विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, तो आपका यहाँ पे क्या ऐसा एक्सपीरियंस है? नो डाउट, बहुत ही अद्भुत, क्योंकि यह बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला है, और यह काफ़ी वेल इक्विप्ड है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं जो अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के पास नहीं है, तो हम उसमें उसी लेवल की प्रगति भी कर रहे हैं, विद्यार्थियों को उसी तरह से काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपनी जो बौद्धिकता है और उसके साथ काम करें और नया सीखें, और उसके साथ साथ अपने जूनियर्स को और अपने फ्यूचर्स के बारे में भी सोचे समझें। थैंक यू सो मच मैम। मैम, एक चीज़ यहाँ पे है कि नो डाउट लगभग पिछले 4 सालों से हम लोग ने देखा है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी है, और सबसे अच्छी बात है कि कंपटीशंस और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम रहे हैं लड़कियों के साथ, तो आप बेसिकली और मोटिवेट करने के लिए लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा अवेयरनेस अपने आप में लाने की ज़रूरत है। महिलाओं को लेकर के देश में तमाम तरह की स्कीम्स चल रही हैं,
जिसमें राज्यों की भी भूमिका है और नो डाउट राष्ट्रीय स्तर पे तो कार्यक्रम चल ही रहे हैं अवेयरनेस के लिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, आप एकेडमिक में भी अच्छा कर रहे हैं और तमाम जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनमें भी बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप जब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आप उनके बारे में कुछ उनका लाभ ले सकेंगे, उनके बारे में समझ विकसित होगी, तो ये आपके होल सोल डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगा। मैम, आपका जो स्टडी लाइफ रही है, खासकर ग्रेजुएशन का टाइम जो रहा है, वो कितना संघर्षों से रहा या कितना हेल्पफुल रहा? बिल्कुल, क्योंकि चूंकि मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ तो वहाँ पे फीमेल को की बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेकर के थोट नहीं रही है। अभी तो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, मैं अपने समय की बात करती हूँ, ज़्यादा पुराना समय नहीं है, लेकिन फिर भी सोच काफ़ी अलग थी। उनको ये लगता था कि मैं पढ़ाई केवल अपने स्टेट से करूं और बाहर नहीं जाना है, और बाहर नहीं जाने को लेकर के उनका कहना ये होता था कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यानी कि दिल्ली आपको पार नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपने दिल्ली पार किया, दैट मीन्स आपने सीमाएँ लांघ दी हैं। तो उस चुनौती को लेना, उसके बाद स्टडी करना, भोपाल जाके पढ़ना, उसके बाद BHU में नौकरी करना, सब कुछ अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य रहा है मेरे लिए। बेशक आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम ने बोला कि बाउंड्रीज को क्रॉस करा, यही रीज़न है कि मैम आज यहाँ तक हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। जब भी आपको लगे कि आप पीछे जा रहे हो या यहाँ पे कोई है जो आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो वैसे में अगर आपके थॉट्स और आपके जो अप्रोच हैं वो सही हैं, आपको लगता है आपका जीवन उसमें आगे जा सकता है, तो एक बार ज़रूर आपको इसमें टास्क लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बस एक दो चीज़ें और कि बेसिकली आपकी हॉबीज़ और आप इन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि आज का जो समय है यूथ के लिए, अक्सर मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा डिप्रेशन या टेंशन में रहते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो अपनी चीज़ों को अच्छा बनाएं, मुस्कुराते रहें? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसके करीब जाएँ और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, उसे देखें, समझें, महसूस करें। जैसे मुझे लोकगीत सुनना बहुत पसंद है, हरियाणवी लोकगीत जिसे हम रागनी के तौर पे जानते हैं, और तमाम तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू। रागनी बेसिकली, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रागनी है वो मुझे कनेक्ट करती है अपने कल्चर से, मुझे बताती है कि फसलें क्या होती हैं, लोगों के जीवन में क्या था, कैसे हम उनसे कनेक्ट करें, कैसे हमारे रिश्ते और मजबूत हों, कैसे हम अपनी परंपराओं के साथ जुड़ें। तो जो आपकी पसंद का दायरा है, जो आपकी पसंद में आता है, आप उसे महसूस करें, उसके लिए समय निकालें, और इससे आपको अपनी जो लाइफ के स्ट्रेस हैं वो भी कम होंगे और आपको ज़्यादा ऊपर तक जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप मेंटली फ्री फील करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना प्रीसियस टाइम हम लोगों को दिया। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे इस वीडियो को देखें उन्हें बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। वैसे BHU पाठशाला पे जो बच्चे हैं वो जनरली UG PG के बच्चे होते हैं, तो मुझे लग रहा है आप डायरेक्टली आज इंटरेक्ट हुए हो मैम से, तो बहुत कुछ सीखे होगे। सो थैंक यू सो मच मैम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर।